ठीक है, तो सर्कुलर अरेंजमेंट में आपको कुछ बातें बताई थी कि अगर चेहरा केंद्र की ओर है और चेहरा केंद्र से बाहर की ओर है तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगने वाला है। अगर चेहरा केंद्र की ओर है तो डायरेक्शन का उल्टा कॉन्सेप्ट, क्योंकि डायरेक्शन में आपको पता है राइट क्लॉकवाइज और लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, तो यहाँ पर लेफ्ट क्लॉकवाइज रहेगा, राइट एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, क्लियर। इसके बाद अगर चेहरा केंद्र से बाहर की ओर तो डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट लगता है, डायरेक्शन में कौन सा कॉन्सेप्ट, राइट क्लॉकवाइज और लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये तो फिगर आपके बनेंगे जिसके आधार पे आप अगर चेहरा केंद्र की ओर है और चेहरा केंद्र से बाहर की ओर है, इसको आप लिख सकते हो जब चेहरा केंद्र की ओर, जब चेहरा जब चेहरा केंद्र की ओर है और जब चेहरा केंद्र से बाहर की ओर, जब चेहरा केंद्र से बाहर की ओर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि दो कॉन्सेप्ट है, जब चेहरा केंद्र की ओर है, जब चेहरा केंद्र से बाहर की ओर है, तब सवाल को आपको कैसे सॉल्व करेंगे इसको बना लीजिए। इसके बाद एक सवाल लिखिए, देखो सवाल है, पांच व्यक्ति ए बी सी डी ई, पांच व्यक्ति ए बी सी डी ई, पांच व्यक्ति ए बी सी डी ई एक वृत्ताकार बेंच के चारों तरफ, पांच व्यक्ति ए बी सी डी ई एक वृत्ताकार बेंच के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, वृत्ताकार बेंच के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, पांच व्यक्ति ए बी सी डी ई एक वृत्ताकार बेंच के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। पांच व्यक्ति ए बी सी डी ई, पांच व्यक्ति ए बी सी डी ई, पांच व्यक्ति ए बी सी डी ई एक वृत्ताकार बेंच के चारों तरफ, पांच व्यक्ति ए बी सी डी ई एक वृत्ताकार बेंच के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, वृत्ताकार बेंच के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, पांच व्यक्ति ए बी सी डी ई एक वृत्ताकार बेंच के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। पांच व्यक्ति ए बी सी डी एक वृत्ताकार बेंच के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। दूसरे स्थान पर कौन होगा, बताओ।
जाए तो दूसरे स्थान पर कौन होगा, इसी का उत्तर आपको बताना है। तो ई के लाइन में दूसरे स्थान पर कौन होगा, सी के दाहिने दूसरे स्थान पर बैठा है, ए सी के दाहिने, ए सी के दाहिने दूसरे स्थान पर बैठा है, ए सी के दाहिने दूसरे स्थान पर बैठा है, ए सी के दाहिने दूसरे स्थान पर बैठा है। पहले सर जब टीचर्स के नाम तरफ से लाइन होती है, बाद में इन तरफ से लाइन होती है, तो सभी तरफ से, तो ई के दाहिने हो सके किया था कि पहले, तो ई के दाहिने दूसरे स्थान पर कौन होगा, तो ई के दाहिने दूसरे स्थान पर कौन होगा बता पाओगे, तो ई के दाहिने दूसरे स्थान पर कौन होगा बता पाओगे, तो बता पाओगे, तो ई के दाहिने दूसरे स्थान पर कौन होगा, इसी का उत्तर आपको बताना है। तो ई के दाहिने दूसरे स्थान पर कौन होगा, देखो इस सवाल को समझने की कोशिश करो। सवाल में कहा कि पांच व्यक्ति जिनका मुख केंद्र की ओर है, ठीक है, बी जो है सी और डी के मध्य है, ए सी के दाहिने दूसरे स्थान पर बैठा है, तो सवाल में क्या पूछा है, ई के दाहिने दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो सबसे पहले आपका काम है एक सर्वे बनाओ, क्या सर्वे जिसमें पांच लोगों को इसके अंदर डालना है, एक दो तीन चार पाँच, पाँच हो गए। सवाल में कहा बी, बी जो है सी और डी के मध्य में, सी और डी के बी जो है सी और डी के मध्य में, सवाल का ए सी के दाहिने दूसरे स्थान पर है, तो सी अब चूंकि केंद्र की ओर चेहरा है, तो दाहिना आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, समझ गए, इधर होकर आप ऊपर चल गए तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर जाना, ए जो है सी के दाहिने दूसरे, एक दो यानी ए आपको यहाँ पे आ गया, क्या आ गया, ए जो सी के दाहिने दूसरे स्थान पर, जब चेहरा केंद्र की ओर है तो कजल्ला की तरह एंटी क्लॉकवाइज, दाहिना एंटी क्लॉकवाइज और बायां क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब ऊपर चलोगे तो घड़ी के सामने, एंटी क्लॉकवाइज मतलब नीचे, समझ गए, तो दूसरे स्थान पे यहां आ गया। अब बचा कौन सा, ये बचा सवाल में क्या कहा, ई के दाहिने दूसरे स्थान पर कौन है, ई के दाहिने, अगर ई के दाहिने अगर आप इधर चले तो ई का बायां आ जाएगा, लेकिन आपको जाना क्या इधर जाना पड़ेगा, दाहिने स्थान पर, एक दो दूसरे स्थान पर कौन है, डी, के दाहिने दूसरे स्थान पर डी होगा, डी इस तरह से बोलो, डी आपका सही उत्तर होगा।